नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं स्थानीय नेता उमेश सिंह जी, और ये राजद से संबंधित नेता भी हैं। राजद से संबंधित कहें या फिर हम ये कहें कि राजद पार्टी में ही हैं, और इन्होंने लोकसभा चुनाव में काफ़ी मदद भी किया है। सबसे पहले आइए हम इनसे जानते हैं कि दरौंदा विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं, इनमें इनकी भी दावेदारी क्या सुनिश्चित होने वाली है। सर, आप ये बताइए कि दरौंदा विधानसभा जो उपचुनाव होने वाले हैं, क्या आप भी इसमें अपनी दावेदारी ठोकने वाले हैं? जी, जनमानस की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है कि चुनाव लड़ा जाए। अगर जनता बोल रही है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, आप जिस पार्टी से हैं, आप राजद पार्टी से हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे पार्टी से टिकट मिलेगा। नहीं मिलने पे भी जनता के बीच जाएंगे, अगर जनता जो राय करेगी उस राय के हिसाब काम करेंगे। जनता के बीच जब जाएंगे तो आपके मुद्दे क्या होंगे? स्थानीय दरौंदा में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे महेंद्रनाथ जो मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है उसका विकास नहीं हो पाया। यहाँ खेल के मैदान जो है वहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं बन पाया। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, शिक्षा में सुधार जरूरी है। और सारे बहुत मुद्दे हैं, हॉस्पिटल की ज़रूरत है यहाँ पे, लड़कों के लिए यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है। जो हम लोग के दियरा क्षेत्र है वहाँ रोज़गार बड़ा इंडस्ट्री लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आगे जितने भी लोग हुए हैं वो इस पे काम नहीं किए हैं। हम प्रयास करेंगे, अगर जीत के जाते हैं, जनता के आशीर्वाद मिलता है, तो इसके लिए हरदम प्रयास करेंगे यहाँ से लेकर विधानसभा तक कि हर हाल में यहाँ रोज़गार पैदा हो और दरौंदा अपना एक बिहार में मानचित्र पे उभरे। जो दरौंदा का चेहरा पूरे बिहार में ही नहीं देश में खिले, यही मेरी प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल, तो देख रहे हैं आपका इनका सीधा सा आरोप है कि यहाँ पे ना हॉस्पिटल में कोई एक महिला नर्स है, ना ही यहाँ पे खेलने के लिए कोई एक स्टूडियो है। इनका सीधा सा आरोप है कि यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पे कोई भी अभी तक खड़ा नहीं उतरा है। फिलहाल अगला कदम क्या होगा और कई पार्टी अपने प्रत्याशी को इस दौर में उतारती है, देखना काफ़ी हमारे लिए दिलचस्प होगा। कैमरामैन आरिफ के साथ ब्रजेश तिवारी, न्यूज़ इंडिया, दरौंदा।